Assalamu alaikum, second year. In the last lecture we have studied about files. Files क्या होती हैं? इस lecture में हम लोग देख रहे होंगे कि multiple types of files कौन कौन सी हैं. Files को दो तरीकों से या दो point of view से आप study कर सकते हैं. First one is from usage point of view and the second one is from functional point of view. अगर functional यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग आप फाइल्स की क्लासिफिकेशन कर रहे हों या उसको कैटेगराइज कर रहे हों तो यूजेज के पॉइंट ऑफ व्यू से फाइल्स तीन तरह की होती है. द फर्स्ट वन इज़ मास्टर फाइल, द सेकेंड वन इज़ ट्रांजेक्शन फाइल एंड द थर्ड वन इज़ बैकअप फाइल. मास्टर फाइल्स क्या होती है? अ फाइल दैट इज़ यूज टू स्टोर द इन्फॉर्मेशन दैट रिमेन्स कॉन्स्टेंट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज़ कॉल्ड मास्टर फाइल. ऐसी तमाम फाइल्स जिसमें आप वो डेटा स्टोर कर रहे हों जिसने ज़्यादा अरसे के लिए ज़्यादा टाइम के लिए स्टोर्ड रहना है और अपनी जिस फॉर्म में आप उसको स्टोर कर रहे होंगे डेटा को वो उसी फॉर्म में ही स्टोर रहेगा, तो ऐसे डेटा को आप मास्टर फाइल में स्टोर कर रहे होते हैं. ऐसी तमाम इन्फॉर्मेशन जो कि सेम रहे एक लंबे अरसे के लिए सेम कॉन्स्टेंट फॉर्म में सेव्ड रहे ऐसी तमाम इन्फॉर्मेशन को आप मास्टर फाइल में स्टोर कर रहे होते हैं. मास्टर फाइल की ये स्पेसिफिकेशन है कि इसमें अपडेटेड डेटा मौजूद होता है. जो मोस्ट अपडेटेड डेटा मौजूद होता है वो मास्टर फाइल में होता है और मास्टर फाइल में मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को स्टोर करवाया जा रहा होता है जिसको आपने ज़्यादा अरसे के लिए ज़्यादा लंबे अरसे के लिए यूज़ करना होता है. ऐसी तमाम इन्फॉर्मेशन को आप मास्टर फाइल में स्टोर कर रहे होते हैं. दीज फाइल्स आर नेवर एम्प्टी सिंस दे आर क्रिएटेड. ये फाइल्स कभी भी एम्प्टी नहीं होती. क्यों एम्प्टी नहीं होती? क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाइल्स होती हैं किसी भी डेटा से रिलेटेड किसी भी एंटिटी से रिलेटेड. जब आप डेटाबेस में डेटा को स्टोर कर रहे होते हैं या डेटा स्टोर कर रहे होते हैं तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेटा होता है उसको आप मास्टर फाइल में स्टोर कर रहे होते हैं. इस वजह से मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेटा को आप कभी भी डिलीट कम्प्लीटली डिलीट नहीं करते, उसमें मॉडिफिकेशंस करते रहते हैं. जैसे वो क्रिएट हुई होती हैं क्रिएशन के बाद से लेके विद द पैसेज ऑफ टाइम आप उसको मॉडिफाई करते रहते हैं, उसमें कोई ना कोई चेंजिंग करते रहते हैं, लेकिन आप कम्प्लीटली उसको एम्प्टी या डिलीट नहीं कर रहे होते. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट से रिलेटेड जो कॉलेज में फाइल्स मौजूद होती हैं उसमें एड्रेस फाइल मौजूद होती है. हर स्टूडेंट का एड्रेस ट्रैक करना कॉलेज के लिए इम्पॉर्टेंट होता है. किसी ना किसी इन्फॉर्मेशन को आप तक पहुँचाना हो स्टूडेंट तक पहुँचाना हो तो उसके लिए एड्रेसेस मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं. स्टूडेंट्स का फ़ोन नंबर इम्पॉर्टेंट होता है, उसका ईमेल नंबर इम्पॉर्टेंट होता है. तो ये तमाम इन्फॉर्मेशन जो स्टूडेंट से रिलेटेड होंगी वो मास्टर फाइल में स्टोर की जा रही होंगी जो कि एक लॉन्गर पीरियड के लिए एक ज़्यादा अरसे के लिए मास्टर फाइल्स में ही वो इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड होंगी. द नेक्स्ट टाइप इज़ ट्रांजेक्शन फाइल, अ टाइप ऑफ फाइल दैट इज़ यूज टू स्टोर इनपुट डेटा बिफोर प्रोसेसिंग नोन इज ट्रांजेक्शन फाइल. और स्टार्टिंग में हम लोगों ने पढ़ा था कि कंप्यूटर्स में आप डेटा को प्रोसेस कर रहे होते हैं, डेटा प्रोसेस हो रहा होता है और अल्टीमेटली वो इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट किया जा रहा होता है. तो इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करने से पहले डेटा जिस फॉर्म में होता है डेटा से रिलेटेड तमाम इन्फॉर्मेशन डेटा से रिलेटेड तमाम डिटेल्स को जो भी आप डेटा इनपुट दे रहे होते हैं प्रोसेसिंग साइकिल को जो भी आप डेटा इनपुट दे रहे होते हैं उससे रिलेटेड तमाम डिटेल्स को जिस फाइल में स्टोर किया जा रहा होता है जो फाइल क्रिएट की जा रही होती है उस डिटेल से रिलेटेड उस फाइल को आप ट्रांजेक्शन फाइल बोल रहे होते हैं. ये टेम्प्रेरी फाइल होती है, हो सकती है. क्यों टेम्प्रेरी फाइल हो सकती है? क्योंकि जब आपकी ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाएगी जब अल्टीमेटली प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाएगी और डेटा को किसी यूजफुल इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर दिया जाएगा कोई ना कोई आउटपुट गैदर कर लिया जाएगा उस प्रोसेसिंग से तो फिर उस फाइल की ज़रूरत ख़त्म हो जाती है तो फिर अल्टीमेटली आप उस फाइल को डिलीट कर सकते हैं. तो ये टेम्प्रेरी फाइल्स होती हैं, ट्रांजेक्शन फाइल्स जो होती हैं इट एग्जिस्ट अंटिल द मास्टर फाइल इज अपडेटेड. ट्रांजेक्शन फाइल उस वक्त तक डिलीट नहीं होती जब तक मास्टर फाइल को अपडेट ना कर दे. मास्टर फाइल अपडेट करने का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी स्टूडेंट से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन मास्टर फाइल में कंटेंट है, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट का एड्रेस है, अगर स्टूडेंट का एड्रेस अपडेट करना है तो अपडेट होने के वक्त जो इन्फॉर्मेशन होगी स्टूडेंट से रिलेटेड यानी जो पर्टिकुलर स्टूडेंट का डाटा होगा वो ट्रांजेक्शन फाइल में स्टोर करवा दिया जाएगा, एड्रेस को अपडेट किया जाएगा यानी मास्टर फाइल को अपडेट किया जाएगा और फिर अल्टीमेटली मास्टर फाइल अपडेट होने के बाद जो ट्रांजेक्शन फाइल में आपने डाटा स्टोर किया था टेम्प्रेरी डाटा स्टोर किया था आप उसको डिलीट कर सकते हैं.
इट मे ऑल्सो बी यूज टू मेंटेन अ परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ द डेटा अबाउट अ ट्रांजेक्शन. और अगर कोई आप इम्पॉर्टेंट ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी होती है या कोई डेटा स्टोर करना होता है तो आप उसको परमानेंट भी स्टोर कर सकते हैं. ज़रूरी नहीं है कि ये टेम्प्रेरी फाइल्स ही हों, टेम्प्रेरी इनको क्रिएट किया जाए और उसके बाद उन्हें डिलीट कर दिया जाए, ज़रूरी नहीं है. अगर कोई ट्रांजेक्शन इंपॉर्टेंट है, फॉर एग्जाम्पल बैंक की ट्रांजेक्शन्स हैं, बैंक में जो पैसे ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन को, उस ट्रांजेक्शन की इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना इम्पॉर्टेंट होता है, तो आप ट्रांजेक्शन फाइल्स को परमानेंटली भी स्टोर कर सकते हैं. ज़रूरी नहीं है कि आप टेम्प्रेरी उसको स्टोर कर रहे हों या टेम्प्रेरली उसको यूज़ कर रहे हों. द नेक्स्ट टाइप इज बैकअप फाइल. अ टाइप ऑफ फाइल दैट इज़ यूज टू टेक बैकअप ऑफ इम्पॉर्टेंट डेटा इज कॉल्ड बैकअप फाइल. किसी भी डेटा का जब आप कोई बैकअप क्रिएट कर रहे होते हैं, बैकअप क्रिएट करने का क्या मतलब होता है, यानी किसी भी डेटा से रिलेटेड आप उसकी कोई भी कॉपीज क्रिएट कर रहे हों, कोई भी डुप्लीकेट्स उसके क्रिएट कर रहे हों, तो वो उसका बैकअप कहला रहा होता है. किसी भी डेटा का कोई आप कॉपी क्रिएट कर रहे होते हैं तो वो कॉपी बैकअप कहला रही होती है. तो जो आपने डेटा का बैकअप क्रिएट किया होता है, उस बैकअप को, उस कॉपी को आप जिस फाइल में स्टोर कर रहे होते हैं, उस पर्टिकुलर फाइल को बैकअप फाइल बोलते हैं. ये परमानेंट फाइल होती है. क्यों परमानेंट फाइल होती है? क्योंकि आप कॉपी क्रिएट कर ही इसीलिए रहे होते हैं क्योंकि आपने डेटा को सिक्योर करना होता है. कोई इंपॉर्टेंट डेटा हो, आप उसकी कॉपी क्रिएट करना चाहते हो, आप उसको डुप्लीकेट फॉर्म में फॉर्म उसकी क्रिएट करना चाहते हो ताकि आप उसको स्टोर कर सकें, आप उसको यूज़ कर सकें फर्दर, तो डेटा को सिक्योर करने के लिए आप उसके बैकअप फाइल्स क्रिएट कर रहे होते हैं. तो चूंकि आप अपने डेटा को सिक्योर कर रहे होते हैं, इसलिए इन फाइल्स को आप परमानेंटली स्टोर कर रहे होते हैं जब तक आपको ज़रूरत होती है उस डेटा की. इट इज़ यूज टू स्टोर एन एडिशनल कॉपी ऑफ डेटा. डेटा की एडिशनल कॉपी को यूज स्टोर करने के लिए आप बैकअप फाइल्स को यूज़ कर रहे होते हैं. डेटा कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम दिस फाइल इफ़ द ओरिजिनल फाइल इज़ लॉस्ट और डैमेज. बैकअप फाइल का फ़ायदा क्या होता है कि जब आपने कॉपीज़ क्रिएट की हुई होती हैं, कॉपीज़ जनरेट की हुई होती हैं, डुप्लीकेट्स आपके पास रखे हुए होते हैं डेटा के, तो अगर आपके पास ओरिजिनल डेटा अगर लॉस हो भी जाता है, अगर आपके पास ओरिजिनल डेटा आपसे डिलीट हो जाता है, कहीं किसी तरह डैमेज हो जाता है, कोई वायरस इन्फेक्ट कर देता है आपके डेटा को, तो आपने जो उसका बैकअप क्रिएट किया हुआ होगा, जो उसकी कॉपी क्रिएट की हुई होगी, वो आप इजीली यूज़ कर सकते हैं. वहाँ से आप अपनी ओरिजिनल डेटा को ईजिली रिकवर कर सकते हैं. बैकअप फाइल्स आर मोस्टली क्रिएटेड बाई यूजिंग स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर यूटिलिटीज. मल्टीपल सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए आप डेटा का बैकअप ले रहे होते. नेक्स्ट आ जाती है फंक्शनल टाइप्स ऑफ फाइल. अगर आप फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फाइल की कितनी टाइप्स होती हैं. फंक्शंस के अकॉर्डिंग फाइल्स दो तरह की होती हैं, प्रोग्राम फाइल्स और डेटा फाइल. प्रोग्राम फाइल कौन सी होती है? टाइप ऑफ फाइल दैट कंटेन्स द सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस. ऐसी तमाम फाइल्स जिसमें सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस इंस्टॉल्ड होती हैं, जो भी आप प्रोग्राम लिख रहे होते हैं, जो भी आप कोड लिख रहे होते हैं, जो भी आप सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिख रहे होते हैं, वो तमाम इन्फॉर्मेशन जिस फाइल में स्टोर्ड होती है, उस फाइल को आप प्रोग्राम फाइल बोल रहे होते हैं. नॉर्मली उसको, उसकी जो एक्सटेंशन होती है उस फाइल की, प्रोग्राम फाइल की जो एक्सटेंशन होती है, वो .exe या फिर .exe एक्सटेंशन यूज़ हो रही होती है. सोर्स प्रोग्राम फाइल्स कहते हैं उन्हें, या फिर एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती हैं जो कि प्रोग्राम फाइल्स कहला रही होती हैं. सोर्स प्रोग्राम फाइल्स कौन सी होती हैं? जो कि किसी एक पर्टिकुलर प्रोग्राम का सोर्स कोड जो आपने जनरेट किया होता है, लिखा होता है, उसको आप सोर्स प्रोग्राम फाइल बोल रहे होते हैं. या फिर कोई भी एप्लीकेशन जिसको एग्जीक्यूट किया जा सके, कोई भी फाइल जिसको एग्जीक्यूट किया जा सके, वो तमाम फाइल्स एग्जीक्यूटेबल फाइल्स कहला रही होती हैं, जिसकी एक्सटेंशन .exe या फिर .exe होती है. इसके बरक्स जो सेकेंड टाइप होती है, फंक्शनल टाइप अगर देखी जाए फाइल की, तो वो डेटा फाइल होती है. टाइप ऑफ फाइल दैट कंटेन्स डेटा इज कॉल्ड डेटा फाइल. ऐसी तमाम फाइल्स जिसमें आपने डेटा को स्टोर किया हुआ होता है, वो डेटा फाइल्स कहला रही होती हैं. प्रोग्राम फाइल में आपने प्रोग्राम को स्टोर किया हुआ होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को स्टोर किया हुआ होता है, और डेटा फाइल्स में आपने डेटा को स्टोर किया हुआ होता है. डेटा फाइल्स आर क्रिएटेड बाय द सॉफ्टवेयर बीइंग यूज्ड. किसी न किसी सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए आप डेटा को, डेटा फाइल्स को क्रिएट कर रहे होते हैं. फॉर एग्जांपल जो नोटपैड पे आप फाइल्स क्रिएट कर रहे होते हैं, नॉर्मली जो आप उनके एक्सटेंशन रख रहे होते हैं, सिंपल टेक्स्ट के फॉर्म में अगर आपने नोटपैड पे कोई भी फाइल क्रिएट की है या उसमें सिंपल आपने कोई भी टेक्स्ट लिखा है, तो उसकी जो फाइल एक्सटेंशन आप लिख रहे होते हैं, जब आप उसको सेव कर रहे होते हैं उस फाइल को, तो जो आप फाइल एक्सटेंशन यूज़ करते हैं, वो .txt की फाइल एक्सटेंशन यूज़ कर रहे होते हैं. एंड सेकेंडली वर्ड प्रोसेसर की अगर बात की जाए, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, MS वर्ड आप सब लोगों ने यूज़ किया हुआ होगा.
जिसमें आप जब भी कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, टेक्स्ट के फॉर्म में आप डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हो, उसमें मल्टीपल इन्फॉर्मेशन जब आप स्टोर कर रहे होते हैं, तो जब आप उसको फाइल को स्टोर करते हैं तो उसकी एक्सटेंशन आप क्या सेव कर रहे होते हैं, डॉट डी ओ सी या डॉट डॉक की एक्सटेंशन आप यूज़ कर रहे होते हैं। तो सिंपली वो तमाम फाइल्स जिसमें आपने प्रोग्राम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को स्टोर किया हुआ होता है, कोई भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन स्टोर की हुई होती हैं, वो तमाम फाइल्स प्रोग्राम फाइल्स कहला रही होती हैं। और उन तमाम फाइल्स में जिनमें आपने डेटा को स्टोर किया होता है, वो तमाम फाइल्स को आप डेटा फाइल्स बोल रहे होते हैं। दिस वॉज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ फाइल्स। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस लेक्चर, देन यू मे आस्क इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।